ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली से सामने आ रही है। कनॉट प्लेस में भीषण आग लग गई है। कनॉट प्लेस के एक रेस्टोरेंट में आग लगने से हड़कंप मच गया है और साथ ही फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया। ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये दिल्ली के कनॉट प्लेस की तस्वीर है जहां एक रेस्टोरेंट में अचानक आग लग गई। आग ने भीषण रूप ले लिया था। 6 दमकल की गाड़ियां मौके पर तैनात की गई। अभी अपडेट ये कि आग पर काबू पा लिया गया है। हादसे में एक शख्स घायल भी हुआ है, ये भी जानकारी मिल रही है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि नॉर्थ प्लेस के एक रेस्टोरेंट में अचानक से आग लग गई। आग लगने की वजह क्या रही, फिलहाल इसकी जांच की जा रही है। एक व्यक्ति के घायल होने की भी जानकारी मिल रही है। विवेक हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। विवेक, आग पर काबू पा लिया गया है क्या, और साथ ही आग लगने की वजह फिलहाल क्या सामने आ रही है? ये बात की जाए तो फिलहाल आग लगने की वजह जो है वो क्लियर नहीं हो पाई है। शुरुआती जांच में लग रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है। जानकारी के मुताबिक सुबह तकरीबन 5:30 बजे के आसपास आउटर सर्कल जो कॉन्फ्रेंस का पड़ता है वहाँ पर, जो वहाँ पे अलका होटल है उसके अपोजिट आग लगी है। तो साथ में 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची, 8 पर काबू पूरी तरह से पा लिया गया है और कोई भी हताहत नहीं हुआ है, ये गनीमत जरूर रही है। एक व्यक्ति के घायल होने की जानकारी मिल रही है विवेक। देखिए फिलहाल फायर विभाग के मुताबिक अभी कोई भी घायल होने की जानकारी उन्हें नहीं मिली है। ठीक है, फिलहाल गया। शुक्रिया आपका विवेक पूरी जानकारी देने के लिए। तो कनॉट प्लेस के एक रेस्टोरेंट में अचानक आग लगी, अर्ली मॉर्निंग आग लगी थी, फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। आग लगने की वजह क्या रही फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया।